इस वक्त की एक और बड़ी खबर भोपाल से निकलकर सामने आ रही है, जहां 6 मई को दीपक जोशी थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ, जहां 6 मई को दीपक जोशी थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन। बड़ी खबर भोपाल से, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिला सकते हैं कांग्रेस की सदस्यता। आपको बता दें बड़ी खबर भोपाल से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र हैं दीपक जोशी, बीजेपी में मंत्री रह चुके हैं दीपक जोशी। को बता दें बड़ी खबर भोपाल से, जहां बीजेपी से नाराज चल रहे हैं दीपक जोशी। बड़ी खबर भोपाल से, जहां 6 मई को दीपक जोशी थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिला सकते हैं कांग्रेस की सदस्यता, पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र हैं दीपक जोशी। बड़ी खबर भोपाल से, बीजेपी में मंत्री रह चुके हैं दीपक जोशी। बड़ी खबर भोपाल से, जहां 6 मई को दीपक जोशी थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। जी गब्बर, दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने की जानकारी मिल रही है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? ये देखिए, दीपक जोशी हैं जो कि बीजेपी में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और उसी के साथ में अगर हम बात करें कैलाश जोशी जी की, कैलाश जोशी जी पूर्व सीएम रह चुके हैं, और ऐसे में जो दीपक जोशी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है। जो सम्मान है वो सम्मान उन्हें नहीं मिल रहा है, ऐसा उनका मानना है। इसी को लेकर के अब वो कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें उनकी सामने आ रही हैं। सामने ये आ रहा है कि 6 तारीख को कमलनाथ जी उनके लिए कांग्रेस की सदस्यता दिला सकते हैं। इधर बीजेपी का कहना है कि हम लगातार दीपक जोशी से बातचीत कर रहे हैं, वो हमारे व्यक्ति हैं, हमारे घर के व्यक्ति हैं, और ऐसा नहीं होगा कि वो कांग्रेस में जाएं या किसी बात से वो नाराज हैं तो उनकी बात को सुना जाएगा और उनकी नाराजगी को दूर किया जाएगा। बसंत, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है धरातल पर। जो बीजेपी कह रही है उसके कहने में और दीपक जोशी और कांग्रेस के इन तीनों के बयानों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि मतभेद सामने आ रहे हैं, दोनों के तीनों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि दीपक जोशी अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं, हालांकि उनकी फोन से ही जो भी बातचीत हुई है वहां 8 पिपलिया में जो उनका सरकारी बंगला था उस बंगले को भी उन्होंने खाली कर दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी में हमें मान सम्मान नहीं मिल रहा है, इसी के साथ में जो हमें मान सम्मान देगा, जो हमें जगह देगा, उसके साथ हम जाएंगे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तो माना ये जा रहा है कि 6 तारीख को कमलनाथ जी कांग्रेस की उन्हें सदस्यता दिला सकते हैं। जी गब्बर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर भोपाल से, जहां 6 मई को दीपक जोशी थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिला सकते हैं।